मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और आगरा का दौरा रद्द कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दो जिलों के हालात देख करके बेहद नाराज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में अब मीटिंग बुलाई है, अधिकारियों की आपातकालीन ये बैठक है जो कि लखनऊ में होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए कल नोएडा पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तेवर उस वक्त भी उनके हमने देखे थे कि किसी तरह की हीला हवाली और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दो जिलों के हालात देख करके मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए और इसीलिए अब ये आपात बैठक लखनऊ में। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा से जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अपडेट है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज दौरे पे थे गाजियाबाद के, मेरठ के और आगरा के। गाजियाबाद तो वो जरूर आए, लेकिन निजामुद्दीन की जो घटना थी वो घटना बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि 24 लोग दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तमिलनाडु में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और आगरा दोनों जगह का दौरा कैंसिल किया। 12:30 बजे यूपी में अपने निवास स्थान पर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सभी जितने बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में जो घटनाएं चाहे तेलंगाना में हुई, चाहे तमिलनाडु में या दिल्ली में जो फिगर बढ़ते जा रहे हैं वो राज्य में ना बढ़े। दूसरी सबसे अहम बात कि अभी भी नोएडा में फिगर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मेरठ में फिगर बढ़ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कैसे आगे काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर 12:30 बजे जो बैठक होगी उसमें समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जमात में उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए कितने लोग हैं, कुछ इस बारे में जानकारी आशीष है क्या? क्योंकि इसके पहले हमने बाकायदा नक्शे के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि अलग अलग वो कौन से राज्य हैं जहां जमात में शामिल हुए लोग पहुंचे, और इसमें लखनऊ का नाम भी शामिल है। देखिए, तकरीबन जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से यूपी के 157 लोग जो थे उन्होंने निजामुद्दीन में जो जमात हुई थी वहां पर उन लोगों ने मरकज में की बिल्डिंग में वो शामिल हुए थे। 157 लोगों की सूची आ गई है। अब इन 157 लोगों को यूपी सरकार को ट्रैक करना पड़ेगा जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े स्तर पर अभी हम स्टेज 2 में। देखिए, तकरीबन जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से यूपी के 157 लोग जो थे उन्होंने निजामुद्दीन में जो जमात हुई थी वहां पर उन लोगों ने मरकज में की बिल्डिंग में वो शामिल हुए थे। 157 लोगों की सूची आ गई है। अब इन 157 लोगों को यूपी सरकार को ट्रैक करना पड़ेगा जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े स्तर पर अभी हम स्टेज 2 में हैं। अगर इस पर अभी काबू नहीं पाया गया तो स्टेज 3 में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने मेरठ का दौरा कैंसिल किया, आगरा का दौरा कैंसिल किया, सीधे घर पहुंचे, 12:30 बजे मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा आशीष बता रहे थे कि थर्ड स्टेज, बस वही जिसकी आशंका है, जिसका डर है और भय है कि बस वहां हमारे कदम ना बढ़ते चले जाए, लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। छोटे से ब्रेक के